तो भारत की जो सॉफ्ट पावर है यानी कि इंटरनेशनल रेप्यूटेशन वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और अभी हाल फिलहाल में जो जेलेंस्की है यानी कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की, उन्होंने मोदी जी को फ़ोन किया कि मोदी जी हमें आपकी मदद चाहिए ताकि जो 10 पॉइंट का जो पीस प्लान है ना रशिया के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब क्या है ये 10 पॉइंट का पीस प्लान, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये जो 10 पॉइंट का जो पीस प्लान है इनको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि इम्पॉसिबल है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो रेडियो फ्री यूरोप का आर्टिकल है ये, जेलेंस्की रेफर टू 10 पॉइंट पीस प्लान इन कॉल विद मोदी, आस्क इंडियन पीएम फॉर सपोर्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। यानी कि यहाँ पर जेलेंस्की ने 10 पॉइंट का पीस प्लान को मोदी जी के साथ डिस्कस किया और मोदी जी से बोला है कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी मदद करो। 26 दिसंबर का ये आर्टिकल है। और इसी तरह से यहाँ पर CNN में भी आया है ये, यूक्रेन जेलेंस्की सीक्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ हेल्प विद पीस प्लान, ये भी यहाँ पर 26 दिसंबर का आर्टिकल है। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए 10 महीने हो चुके हैं और रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने का नाम ही नहीं लिए रही है। दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं और दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ हर तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर ड्रोन्स और मिसाइल। और इन दोनों के बीच पीस को लेकर अभी तक कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। यूक्रेन कहता है कि रूस को पूरी तरह से यूक्रेन छोड़ना होगा, तो वहीं रूस कहता है कि आपको नेटो में शामिल होने की अपनी ज़िद छोड़नी होगी और जो हमने कब्जा लिया है ना उसको भी मानना होगा कि भैया अब हमारा हो गया है और हार माननी होगी। दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसी जिद में हजारों यूक्रेनी और रशियन अपनी जान इस जंग में दे चुके हैं, गंवा चुके हैं। और दोनों ही इस जंग में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि इतना सब कुछ खो चुके हैं कि अब इनके पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। और इसमें देखा जाए तो यूक्रेन का ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि अभी भी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर रूस ने कब्जा कर रखा है और रूस इन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है। और यूक्रेन ने भी कसम खा ली है कि ना सिर्फ खोए हुए इलाकों को वापस लेंगे बल्कि 2014 में खोए हुए क्रीमिया को भी हासिल करेंगे। और इतना ही नहीं, यूक्रेन के आधे से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रूस ने ख़त्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया और लाखों लोगों तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है। और जा भी रही है तो वो भी कभी कभी एक दिन में 2 घंटे के लिए, कभी एक दिन में 5 घंटे के लिए। और इस समय यूक्रेन को बिजली की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि सर्दी का मौसम है और इस समय आधे से भी ज़्यादा यूक्रेन में हर जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। और अब इतनी ज़्यादा दिक्कतों के बाद फाइनली यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने यहाँ पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से बात की है और बोला है कि हमें भारत की मदद की ज़रूरत है। और इसके लिए जेलेंस्की ने फ़ोन पर मोदी जी से बात की और यहाँ पर अपनी तरफ से एक पीस फार्मूला बनाया है जिसमें 10 पॉइंट्स हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने में मोदी जी से मदद मांगी है। और इस पूरे फ़ोन कॉल की डिटेल के साथ यहाँ पर जेलेंस्की ने ट्वीट भी किया है कि क्या क्या बात हुई है। और इसके अलावा जेलेंस्की ने मोदी जी को G20 की प्रेसिडेंसी मिलने पर बधाई भी दी है और पीस प्लान को लेकर डिस्कस किया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत को G20 की प्रेसिडेंसी 1 साल के लिए मिल गई है और ये भारत को 1 दिसंबर को मिली थी। और अब 1 दिसंबर से भारत पूरी दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का नेतृत्व करेगा। वैसे देखा जाए तो G20 में प्रॉपरली 19 देश ही होते हैं लेकिन इसे यूरोपियन यूनियन की भी शामिल किया जाता है, जो कोई देश नहीं बल्कि यूरोप के कुछ देशों का समूह है। और इस G20 की समिट पिछले महीने इंडोनेशिया में हुई थी जिसमें मोदी जी भी गए थे और जेलेंस्की भी गए थे, लेकिन जो पुतिन जी है वो गए ही नहीं थे। और इसी G20 की समिट में जेलेंस्की ने 10 पॉइंट पीस प्लान को दुनिया भर के सामने रखा था और तभी जेलेंस्की कई देशों में विजिट कर रहे हैं और अपने लिए सपोर्ट मांग रहे हैं, जैसे कि अमेरिका में भी गए थे और दूसरे बाकी देशों में भी जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी मदद करो। और इसी पीस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही जेलेंस्की मोदी जी से मदद मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी मदद करो और ये रहा पीस प्लान और पीस प्लान के लिए रूस को मनाओ और हमें बचाओ। लेकिन सवाल ये आता है कि जेलेंस्की के पीस प्लान में 10 पॉइंट कौन कौन से हैं जिसके लिए जेलेंस्की अमेरिका गए, बाइडन से डिस्कस किया और दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं बार बार, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। तो देखिए जेलेंस्की ने जो 10 पॉइंट पीस प्लान बनाया है उसके कुछ पॉइंट्स को छोड़कर बाकी के पॉइंट्स थोड़े अजीब हैं और उनका इम्प्लीमेंट होना ही लगभग नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो देखिए 10 पॉइंट पीस प्लान में जो कुछ मेजर पॉइंट है वो ये है कि अभी यूक्रेन का जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़ेपोरिज़िया का, उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना होगा जो पॉसिबल है और ये रूस कर भी देगा। और इसके अलावा फूड सिक्योरिटी को लेकर पॉइंट है जिसमें यूक्रेन अपना गेहूँ दुनिया के गरीब देशों को एक्सपोर्ट कर सके। आपको मैं बता दूँ कि रूस और यूक्रेन दोनों देश गेहूँ के टॉप एक्सपोर्टर हैं और दोनों देश एक्सपोर्ट के मामले में टॉप 5 में आते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेहूँ होता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ एक्सपोर्ट करने वाले देशों में शामिल ही हैं। चलो ये भी पॉसिबल है क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले भी रूस ने यहाँ पर यूनाइटेड नेशन तुर्की की मध्यस्थता में ब्लैक सी ग्रेन डील साइन की थी और उसके ज़रिए यहाँ पर यूक्रेन जो है वो अपना जो गेहूँ था वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर पा रहा था, तो रूस इसको भी अलाउ कर देगा।
और इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि रूस ने यूक्रेन के 50% से भी ज़्यादा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और अब यूक्रेन रूस से ये डिमांड कर रहा है कि जो रूस ने तबाह किया है ना, उसको रूस ही सुधारे, या फिर सुधारने का पैसा रूस यूक्रेन को दे, और क्रूड ऑयल भी सस्ते दामों पर रूस यूक्रेन को दे। अब यहाँ पर मामला थोड़ा अटक सकता है, क्योंकि एनर्जी के मामले में कोई किसी का सगा नहीं होता है, और ख़ुद रूस पर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं कि फिर भी यूरोप के बहुत सारे देश रूस से एनर्जी को परचेस कर रहे हैं। तो ऐसे में इस पॉइंट को लेकर मामला थोड़ा अटक सकता है कि रूस यूक्रेन को फ्री में पैसा दे और सस्ता क्रूड ऑयल दे। और चौथा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो वॉर प्रिजनर है उनको छोड़ना होगा, ये रूस कर सकता है। दोनों देशों ने इससे पहले भी 1 दिसंबर को POW यानी कि प्रिजनर ऑफ वॉर को एक्सचेंज किया था, तो इस पॉइंट पर भी दोनों देशों की सहमति बन सकती है। लेकिन अगले तो जो दो पॉइंट है ना, उस पर सहमति बनना इम्पॉसिबल ही है। यहाँ पर पांचवें पॉइंट पर यूक्रेन अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्टोर करना चाहता है, और छठे पॉइंट पर यूक्रेन ये डिमांड कर रहा है कि सभी रूसी सैनिकों को यूक्रेन से निकलना होगा और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे पीछे हटना होगा। अब देखिए, ये दोनों पॉइंट पर दोनों देशों का सहमत होना पॉसिबल ही नहीं लगता है, क्योंकि देखा जाए तो रूस ने अपने हज़ारों सैनिकों की बलिदान दे दिया है, तो वो तो पीछे हटने वाला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रूस की जो इमेज है वो बुरी तरह से ख़राब हो जाएगी अगर यहाँ पर रूस पीछे हटता है तो। और ये चर्चा होगी कि रूस के इतने ज़्यादा सैनिक भी मारे गए और फिर भी रूस पीछे हट गया, तो यहाँ पर इमेज ख़राब हो जाएगी इसकी। और इसके अलावा जब किसी जंग को लेकर पीस डील होती है तो उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हम ये करेंगे, आपको भी ये करना होगा, लेकिन ज़ेलेंस्की पीछे हटने को तैयार ही नहीं है और बोल रहे हैं कि हम इस मुद्दे पर कोई नेगोशिएशन भी नहीं करना चाहते, कोई नेगोशिएशन ही नहीं होगी। अगर एक बार को ज़ेलेंस्की ये भी कह देते ना कि अच्छा ठीक है कि आप डोनेट्स और लुहान ले लो, जो बाकी जो शुरू में जो आपने दो देश बनाए थे, बाकी के एरिया से पीछे हट जाओ, तो तब शायद थोड़ी बहुत उम्मीद हो सकती थी, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं लगता है। और इसके अलावा वॉर क्रिमिनल्स पर ट्रायल चलाना और उन्हें प्रोसिक्यूट करना, ये भी पॉसिबल हो सकता है अगर दोनों देश चाहें तो। और फिर वॉर के दौरान जो एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है उसको वापस से ठीक करना, यानी कि जो इकोसाइड हुआ है, इकोसाइड जैसे कि सुसाइड होता है ना, खुद की जान ले लेना, वैसे ही इकोसाइड यानी कि जो एनवायरनमेंट है उसकी जान ले लेना, तो इसको भी थोड़ा सा ठीक करना हो सकता है। यहाँ पर पेड़ लगा देंगे और जो बर्बाद हुआ है एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत सही कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है यहाँ पर। और वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी को भी रिस्टोर करना, और आगे से कोई भी कन्फ्लिक्ट को शुरू ना करना, और वॉर को ख़त्म करने का डॉक्यूमेंट साइन करना, और फिर यहाँ पर सिक्योरिटी की गारंटी। तो थे कि यहाँ पर इस पॉइंट पर ज़ेलेंस्की ने थोड़ी समझदारी दिखाई है, क्योंकि देखा जाए तो रशिया का जो सबसे मेन कंसर्न था ना, वो ये था कि नेटो में शामिल ना हो जाए यूक्रेन, और यहाँ पर यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हो रहा है अगर उसको सिक्योरिटी की गारंटी मिले कि अगली बार यहाँ पर कोई हमला नहीं करोगे आप। तो ये है सारे पीस प्लान के 10 पॉइंट्स जिसे यूक्रेन ने सामने रखा है दुनिया भर के, और जिसे बार बार ज़ेलेंस्की पुश कर रहे हैं दुनिया भर के सामने। और इसके अलावा यूक्रेन इन पॉइंट्स को लेकर काफ़ी महीनों से रूस के साथ पीस समिट चाहता है, जिसे रूस ने रिजेक्ट कर दिया और बोल दिया कि अगर आपको पीस चाहिए तो पीस करने वाले माइंडसेट से आओ, हम पीस कर लेंगे, और इतिहास उठाकर देख लो, हम किसी के बनाए हुए कंडीशंस को फॉलो ही नहीं करते, चाहे वो वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के खिलाफ हारने के बाद भी वॉर करना हो, या फिर अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर हो जिसमें हमने क्यूबा में अमेरिका को टारगेट करने के लिए न्यूक्लियर मिसाइल को डिप्लॉय किया था, हम किसी भी की बनाई हुई कंडीशन को मानते ही नहीं हैं। अब सवाल यह आता है कि क्या रूस यूक्रेन की डिमांड मानेगा? तो देखिए, रशिया बिल्कुल भी यूक्रेन की डिमांड नहीं मानने वाला है, और रूस ने तो ये कह दिया है कि भाई पीस टॉक जब होगी तब होगी, लेकिन आपको ये मानना होगा कि जो हिस्सा अब रूस के कंट्रोल में है वो मान लीजिए कि अब रूस का ही है। तो यहाँ पर यूक्रेन भी पीछे नहीं हटना चाहता और रूस भी पीछे नहीं हटना चाहता है, लेकिन इस चीज़ से इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो 2022 तो किसी तरह से दुनिया भर ने निकाल लिया है, लेकिन एक्सपर्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि 2023 में रिसेशन आ जाएगी, और तब भारत ही नहीं पूरी दुनिया का जो एक्सपोर्ट है, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, वो बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ पर देखा जाए तो दोनों देशों के जो पीस प्लान के जो पॉइंट है उसमें सहमति बन पाना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भारत जो है वो दोनों देशों के बीच एक मंच मुहैया करा सकता है, एक प्लेटफॉर्म दे सकता है कि आओ यहाँ पर आप यहाँ पर बातचीत करो, यहाँ पर पीस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की बातचीत करो, क्योंकि देखा जाए तो जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है वो रशिया नहीं जाना चाहते, और जो पुतिन है वो पश्चिमी देशों के किसी भी देश में नहीं जाना चाहते, तो यहाँ पर जो तीसरे देश हो सकता है वो भारत हो सकता है, और यहाँ पर यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी भी है, तो शायद यहाँ पर भारत जो है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है इन दोनों देशों के पीस में। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए @ इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है @इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।